अवस्था में है। इस युवा अवस्था में बनाए रखने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र हमेशा से कस्टमर फ्रेंडली बैंक रहा है। हमारा टैगलाइन भी है एक परिवार एक बैंक, और हम अपने बैंक में जो भी हमसे जुड़ा हुआ है उसको परिवार का हिस्सा मानते हैं और उसी तरह से उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो मैं चाहता हूं, मैं अपील करता हूं कि जो भी हमारे ग्राहकगण हैं, जो भी हमसे जुड़े हुए हैं किसी न किसी तरह से, वो हमें किसी तरह से आगे बढ़ने की प्रोत्साहन देते रहें और हम आप लोगों के समक्ष इसी तरह से अपना 100वां वर्षगांठ भी मनाएं। And we established ourselves in Maharashtra because our first branch was at Bajirao Road, Pune. And you see today, as on date, we have 2,100 plus branches. And these branches, from Kanyakumari to Kashmir, and from near west to east, like Soti Somnath, if you see, like Gujarat, to Sikkim. So all area, you talk about Leh and Ladakh, and you talk about Kashmir, we have branches everywhere. And these branches today we see the business, we have been ranked number one among all public sector banks in growth parameters, in all the growth parameters. And that is our greatest achievement. Because 4 years back, if you would have seen, due to PCA, that was the prompt corrective action imposed by the Reserve Bank of India, and it was that Bank of Maharashtra, it was not the only bank, there were many other banks. So that prompt corrective action was imposed on Bank of Maharashtra because high percentage of NPA. जो सके हम ऊंचाइयां उगते सूरज वाले उस आसमान की हम तभी थे। वक्त बदला बदली दुनिया हुई अपनी छत की चाहत पूरी फैलाई हर आंगन में हमने मुस्कानों की किलकारी रंग भरे जीवन में सबके चारों ओर को। आपका विज्ञापन में देख रहा था और उस विज्ञापन में जो एक सबसे अच्छी बात थी वो ये कि आपके पांडे जी ने कहा कि जो सुपरिटेंडेंट हो चुके हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, उनका भी डेडिकेशन बहुत है। कोई भी संस्था जो बनती है उसमें एक लंबी यात्रा होती है, सबकी अपनी अपनी भूमिका होती है, और जो आपके सामने नहीं होते हैं उनका भी आप याद करते हैं। तो आप निश्चित रूप से एक ग्रेटफुल ऑर्गेनाइजेशन है और ये आपके कैरेक्टर को बताता है। आप सबसे आग्रह करूंगा कि एक विज्ञापन है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, यदि आपने नहीं देखा तो कभी देखिएगा। शायद आप जो बैंक में काम करते हैं उन्होंने भी शायद नहीं देखा उस बैंक ऑफ महाराष्ट्र का विज्ञापन। तो विज्ञापन है एक बाप और बेटी की कहानी। मेरा इस बैंक से जो पहला रिश्ता है, मैं सरकार के लिए काम करता हूं लेकिन फिल्मेकर भी मतलब बनाता हूं। क्रिएटिविटी मुझे लगता है कि सबसे जरूरी चीज होती है किसी भी क्षेत्र में। तो विज्ञापन ये है कि शायद महाराष्ट्र की कहानी है, जब किसान को आत्महत्या कर रहे थे, एक छोटी लड़की है जो स्कूल में पढ़ती है, वो रोज इस परेशानी के साथ उठती है कि मेरे पिता किसी रात में आत्महत्या तो नहीं कर ली। आप सबसे आग्रह, तो एक लड़की है जो हर सुबह जब उठती है तो देखती है कि मेरा बाप जिंदा है कि नहीं, उसने आत्महत्या तो नहीं कर ली, और जब उठती है देखती है कि मेरा बाप नहीं है तो पीछे दौड़ के वो खेतों की तरफ जाती है और देखती है कि नहीं, मेरा बाप वहां पे काम करता है। और रोज उसका ये होता है कि उठ के मुझे देखना है कि आत्महत्या रोज हो रही है, रोज अखबार में खबर छप रही है। एक दिन देखती है कि उसके घर में रस्सी नहीं काफी रखी हुई, तो बहुत परेशान होती है, वो रस्सी को छिपा देती है। अगले सुबह जब उठती है देखती है रस्सी नहीं है, वो पागलों की तरफ भागती है, उसके पिताजी नहीं है घर में, और दूर से देखती है कि पेड़ पर वो रस्सी रखी हुई और कोई चीज है जो उससे लटक रही है। वो परेशानी से भागती है तो देखती है कि वो कुछ लटका उसे लग रहा है कि उसके फादर ने सुसाइड कर लिया, वो है उसका। देखती है कि एक गाड़ी का जो टायर है वो उन्होंने बनाया अपनी बेटी के लिए,
झूले की तरह। ये इतना टचिंग ऐप था, ये इस बैंक की का जो रिलेशनशिप है या बैंक का जो विजन है उसको दर्शाता है। और मैं आप सबसे चाहूंगा एज बैंक ऑफ महाराष्ट्र बैंकर कि वो जो आपका स्टेटमेंट है, आपका रिलेशनशिप का जो स्टेटमेंट है, उसकी भावना को आप बना के रखें। ये आपका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा।